हेलो एवरीवन, निशात फूड मैजिक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो ये चिकन कढ़ाई कढ़ाई चिकन से डिफरेंट होती है, इसमें शिमला मिर्च यूज़ नहीं होता है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और रोटी पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो इस चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए यहाँ पे हमने डाल दिया है तेल। तो यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। और कढ़ाई अगर लोहे की हो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका, और नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। तेल यहाँ गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। इसको आपको डाल के बस थोड़ा सा सॉटे करना है और मिर्च को हमको निकाल लेना है। मिर्च की जो खुशबू है इसके अंदर रच बस जानी चाहिए इस तेल के अंदर में। तो चलिए मिर्च हमारा पक गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी तेल में हम डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है मैंने, अच्छी तरह से वॉश करके रखा है और इसका पानी हमने अच्छे से निकाल लिया है। तो चिकन को हम डाल देते हैं इस तेल में और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो थोड़ा सा चिकन को हम भून लें ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन। थोड़ा बड़े साइज़ का लहसुन लिया था हमने और इस तरह से हमने इसको क्रश कर लिया है, और मोटा मोटा ही क्रश करके रखें। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टमाटर। तो टमाटर इस रेसिपी के अंदर में बहुत ज़्यादा जाता है, इसी से इसका ग्रेवी बनकर तैयार होगा जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। साथ में डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ही यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। और हम बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। और इसके बाद इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढक्कन को लगाएंगे और टमाटर के गले तक हमको इसको पका लेना है। तो चलिए इसको पकते हुए हो गए हैं लगभग 5 मिनट, ढक्कन को खोलते हैं देखते हैं क्या हाल है। तो अभी भी टमाटर बिल्कुल अच्छे से नहीं गला है, इसमें हम देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल मशी होने तक को इसको पकाना है। तो फिर से हम वापस ढक्कन को लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, लगभग 5 मिनट। तो 5 मिनट और हो चुके हैं और ये टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल गया है, आप देख सकते हैं। इसमें हम डालेंगे मसाले। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे ज़ीरा पाउडर और यहाँ पे हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का क्रश किया हुआ पेस्ट। तो इस तरह से मोटा मोटा क्रश कर रखा है, 1/2 इंच का अदरक लिया था और 2 हरी मिर्च ली थी। और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद अब इसके हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो जितनी अच्छी तरह इसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो कम से कम 5 से 7 मिनट इसको आपको अच्छे से भुनना है, जब तक मसाला अच्छी तरह नहीं भुन जाता है और इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो अब देख सकते हैं इसमें से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और मसाला भी यहाँ पे अच्छा भुन गया है। तो इतना आपको अच्छे से भूनना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने लिया हुआ है क्रीम, तो 2 चम्मच हमने घर की जो दूध की मलाई होती है वो यूज़ किया है और 2 ही चम्मच यहाँ पे डालेंगे हम दही। तो अगर आप घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेश क्रीम है तो वो यूज़ कर सकते हैं। और मलाई और दही जो बराबर बराबर अमाउंट में लेके आपको उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। और फेंटने के बाद इसे हम साइड में रखते हैं और इस पर हम डालते हैं थोड़ा सा पानी। तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना ही पानी आपको इसमें डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बॉईल आने के लिए देंगे। तो चलिए इसमें अच्छा बॉईल आ रहा है, इसमें हम डाल देंगे जो क्रीम और जो दही का मिक्सचर हमने बना करके रखा था उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा
काली मिर्च। तो ये जो ब्लैक पेपर है या काली मिर्च है, इसको हमने दरदरा कूट के यूज़ किया है। यहाँ पे आप पाउडर इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपकी कढ़ाई जो बन रही है इसमें इसका कलर थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही जो मिर्च हमने निकाल करके रखा था फ्राई करके, उसको हम इसमें डाल देंगे और ढक्कन को लगाएंगे और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद ये बढ़िया सा ये तैयार हो गया है और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसे जैसे कुछ और रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।